न्याय के लिए खाई ठोकरें, थाने पर दिया धरना, तब हुई एफआईआर। आरोपी सहित माता पिता ने दिया था शादी का आश्वासन, महिला थाने पर नहीं हुई सुनवाई, पीड़िता लगा रही गुहार, एफआईआर कराने पहुंची एसडीओपी के पास। लिव इन में रहकर किया शोषण, शादी के नाम पर भागा। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में पीड़िता की बात को बेहद संजीदगी से सुना जा सके और पीड़िता अपना दर्द महिला पुलिस अधिकारी को बिना झिझक बता सके, इसी मंशा के साथ प्रदेश भर में महिला थानों की स्थापना की गई है। लेकिन शुक्रवार को इस मंशा पर पलीता लगाने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर शिवपुरी में एक विधवा महिला का शोषण करने वाले आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए एसपी राजेश सिंह चंदेल ने महिला थाना प्रभारी एसआई प्रियंका को आवेदन फॉरवर्ड किया, लेकिन थाना प्रभारी ने उस आवेदन पर कार्यवाही तो दूर उसे देखना तक मुनासिब नहीं समझा, उसे धुतकार कर थाने से भगा दिया। अंततः पीड़िता कार्यवाही की मांग को लेकर थाने पर धरने पर बैठ गई। इसके बाद देर शाम शिवपुरी एसडीओपी अजय भार्गव को महिला थाने पहुंचकर मामले में कार्यवाही करना पड़ी। खास बात यह रही कि महिला थाने पर ही पीड़िता की उचित सुनवाई न होने के कारण उसे न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ी और धरना तक देने पर विवश होना पड़ा। पूरे मामले पर एसडीओपी अजय भार्गव ने कहा कि इस मामले में महिला थाना पहुंचा और आरोपी के खिलाफ बलात्कार मारपीट की धारा में प्रकरण दर्ज किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है।